अब रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। मलकानगिरी जिला प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक संघ ने डीईओ ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया, जहां मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मलकानगिरी जिला शिक्षक संघ ने ग्रेड पे 2800 रुपए करने की मांग की है। दीर्घ वर्ष पर आम सपक्ष राय आसला पर भी आमर अधिकारी बा आमर शिक्षा विभाग अधिकारी आमको देलेनी तापर गवर्नमेंट आम विरुद्ध हाईकोर्ट को चलीगला चलीगला आज पर्यंत आम हाईकोर्ट रे विचाराधीन अच्छी अनेक थर बहु समय सेमती हाँ को देवी ना मुझे चाहिए भल ड्रेस पे पाइबे से दृष्टि देवी कि आगुरी जहाँ जाए से किसी ये करें तथा मुझे तदंत करी जो खराब ड्रेस थी मुझे फेरेगी जीवन को कह से फेरेबे फेरे भल ड्रेस पे देवे। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल इस समय पहुंचे मलकानगिरी जिला के डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनके ऑफिस में। यहाँ पे जो जिला के शिक्षक शिक्षयित्री जो है उनके तरफ से विक्षोभ प्रदर्शन धरना दिया गया था। आइए यहाँ पे मौजूद है कि इसी जिला के शिक्षक यूनियन के सभापति साधारण संपादक रंजीत रमेश सर, जरा बताइएगा आज जो यहाँ पे धरना देने का क्या वजह है। जो हमारा 2016 मसीह जो ग्रेड पे शिक्षक भाई मान 2800 ग्रेड पे लागू होता आमर जो भाई मैंने अच्छा 1994 मसीह से भाई मैंने हाईकोर्ट करते ट्रिब्यूनाल जीतला गवर्नमेंट हाईकोर्ट जाता से 42 केस तेणुक देखिले दीर्घ दिन जो तो लेट हो समय अतिवाहित होतेक शिक्षक मरीगले केतक रिटायर्ड होगले केतक पैसा पत्र अभाव झील पुओ बाहर कर पिला भी पाठ पढ़े पा ना ये जो समस्या लग रही तेणुक से भाई भौणी मैंने चिंता कले कि आम से 28 ग्रेड पे नहीं जीव बर्तमान से दबार किसी असुविधा ना बारंबार संघ तरफ लिखा जा जिलापा डीओ को डायरेक्टर को समस्त लिखाई 28 दबार कौन असुविधा अच्छी जेहेतु बारंबार लिखला पर 28 ग्रेड पे मिलला ना समस्ते आम चिंता कलु बैठक करी जे ना धारणा बसबू तेणुक आम आज शिक्षक भाई भौणी मैंने धारणा बसी नर्जी दाबीपाई जहा डीओ महोदय कहले तुम ये जो धारणा बस तुम उठी जाओ आम ये 28 ग्रेड पे मुझेदेवी से आम बर्तमान चिठी अपेक्षार अच्छा चिठी कले आम उठबू चिट्ठी इनको जरूरत है क्योंकि मुंह से मुंह जो बनी मांग इनको कहने से पूरी नहीं कर पाएंगे लेकिन इनके मांग है कि लिखित रूप से चिट्ठी हमें दिया जाए तब यहाँ से धरने से हम उठेंगे। यहाँ पे मौजूद है जो मलकानगिरी जिला के शिक्षक संघ के सभापति रंजीत नायक जी, आइए उनसे उनका राय लेते। सर जरा बताइएगा इन्होंने तो बताया कि जब तक इनको चिट्ठी नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से उठे नहीं लेगी, लेकिन मांग जो सिर्फ यही जो वेतन की जो मांग है ग्रेड के मांग है या कुछ और भी मांग आप लोगों का है सर बताइए। मैं सिटी सर थी सी आमर जो एसएमसी कमिटी रही से एसएमसी कमिटी को पैसा सरकार तरफ जाए एसएमसी कमिटर संपूर्ण खर्च करार अधिकार अच्छी किंतु जो विद्यालय पर पोशाक वितरण जो दायित्व थी एसएमसी गोटे कमिटी अच्छी करवा कथा किंतु से गणती ग्रुप को सहित सलाह सुतरा हो ग्रुप को ड्रेस देवाई दायित्व देते मलकानगिरी ब्लक जोटा कि गोटे जगार 500 स्कूल अच्छी से कौन कले गोटे कालीमेला गोटे ग्रुप खैरीपुट को दायित्व दिया कालीमेला ग्रुप जा खैरीपुट रु ड्रेस देवे जहाँफल कि चिताचल भाव में यूर आम अनुभव करश्चिंत भाव में किसी उत्कट रियातर काम हो जो काम करके जहाँफल आज पर्यंत कौन ड्रेस स्कूल 50% स्कूल ड्रेस दि जाए ना जो 50% स्कूल ड्रेस दि जाए संपूर्ण भाव में दि जाए ना बुट दरकार पड़े पिला 10 बुट बाकी अच्छी कौ जगार झीव को ड्रेस 5 बाकी अच्छी ये भाव में रही प्रति नजर नवा आवश्यक अच्छी। आज आम जो आलोचना होता पुनर्वर यही वर्ष से प्रक्रिय जेहेतु से रमेश सेठी सार जो आरंभ करके पूर्वतन डीओ से प्रक्रिया को वर्तमान जाऊँगी आगामी दिन में जदि से ग्रुप को दि जाए आम निश्चिंत विरोध करूँ ना सीधा सड़क एस एच जी ग्रुप एकाउंट को पैसा छाड़ दिंतु विद्यालय एस एम सी एकाउंट को पठेबा दरकार ना जोटा एस एम सी एकाउंट को पठेले हेडमास्टर रेस्पोनसबल रोचे
जदि एस एच जी ग्रुप को डायरेक्ट आम जिला डीपीसी आकाउंट रू गले आमको कौन सी प्रकार असुविधा सामना करने को पड़ो ना। सभापति रंजित नायक के जुबानी इन्होंने बताया कि पूर्व में जो डीओ महोदय थे उन्होंने बहुत ज़्यादा दुर्नीति भ्रष्टाचार करके गए, जो टीचर माहौल में बहुत ज़्यादा मतलब असंतोष का वातावरण देखने को मिला था। उन्होंने ड्रेस के ऊपर जो दुर्नीति किया था और जो है ड्रेस जो है एसएमसी के माध्यम से देना चाहिए था, लेकिन एसएमसी के माध्यम से ना देकर एसएससी ग्रुप को दिया गया था, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि बहुत जगह से जो ड्रेसों का भी अभियोग आया था। तो यहाँ पे मौजूद है मलकानगिरी जिला के कुनियन के जिला ब्लॉक उपसभापति साधना मंडल जी, आइए उनसे उनका राय लेते। मैडम, ये जो दुर्नीति के जो बात इन्होंने बताई है, तो आप क्या कहेंगे, जो वर्तमान जो डीओ महोदय है क्या उसी रास्ते पे चल रहा है, जो पहले डीओ महोदय थे उनके ही रास्ते पे चल रहा है क्या वर्तमान डीओ महोदय, जरा इसके बारे में आप क्या। डीओ सर तो ये आन चार तो जेहेतु पूर्वतन डीओ सर करके जाइए ड्रेसटा ग्रुप देवे और सलाह सतर कर कौन कर तो ये से ग्रुप मान दवापाई ही लेटर हो तो एबे जाए जेहेतु नुआ भावे दिया है तेणु आम ये कहीपरबू जो सार डीओ सार बर्तमान से रास्ते जाऊँ कि नहीं कि जेहेतु ग्रुप मानक दिखाई से आम टीचर मान एसएमसी मानक मैंने असंतोष जेहेतु एसएमसी टाटा प्लेस हो एसएमसी ही दवा कथा जदि एसएमसी पारे शिक्षक रेस्पनसबिलिटी होती एसएमसी देपर तो से टाँचा नहीं ग्रुप में देदेव कि डीपीसी आकाउंट्रे डायरेक्ट डीपीसी पेमेंट करदे ग्रुप से भल हम तो ये डीओ सर कथा भी नहीं। बहुत ही अच्छे है, अच्छे काम भी कर रहे हैं और अच्छे रास्ते पे चल रहा है, लेकिन आगे जाके क्या होगा ये भी ये कह नहीं सकते। लेकिन जो ड्रेस वर्तमान जो ड्रेस जो है एसएमसी के माध्यम से देना था, लेकिन एसएमसी के माध्यम से ना देकर जो पूर्व में जो डीओ थे उन्होंने सिस्टम ऐसे करके गया, एसएसजी ग्रुप जो उनके माध्यम से ड्रेस बांटे जा रहे हैं, लेकिन इनका जो है अभियोग ये है अगर एसएसजी के माध्यम से ड्रेस बांटा जा रहा है तो डायरेक्ट डीपीसी के तरफ से एसएसजी के ग्रुप में ही पैसे डाला जाए, क्योंकि पहले जो सिस्टम थी वो बहुत ही अच्छा था। एसएमसी कमेटी के माध्यम से जो ड्रेस बांटे जा रहे हैं, शिक्षक हेडमास्टर जो स्कूल के हेडमास्टर एसएमसी कमेटी के चेयरपर्सन थे उनके माध्यम से दो देख भग के जो दुकान पे जाते थे, तीन कोटेशन लाते थे, वहाँ का ड्रेस जो चूज करते थे, जो ड्रेस हाई क्वालिटी अच्छे क्वालिटी के थे उसी को पसंद करते थे, भले उसका रेट थोड़ा ज्यादा भी हो, जो सरकार निर्धारण कर रहे थे उसी के जो तालुकात में हो। लेकिन उस प्रकार जो अब भी नहीं हो रहा है, ये चाहते हैं कि वर्तमान जो डीओ महोदय है मानस कुमार जेना जी, वो भी इस प्रकार जो करे जो टीचरों के हित में, और जो एसएमसी जो हर विद्यालय में एसएमसी कमेटी गठन किया गया उस कमेटी के माध्यम से ड्रेस बांटने की इनकी भी मांग रही है। तो अभी देखने को बाकी रहा कि जो टीचरों की धरना देने की जो वजह है उस वजह को कितने दिन में और कब तक पूरी करते हैं। उड़ीसा मलकानगिरी जिला डीओ ऑफिस। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।